2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में प्रदेश में लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जागे या ना जागे जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बड़ा कोई भी नहीं होता है और छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। जितने भी कार्रवाई हो रही है वे केवल राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है, महादेव में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है इसका इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। जो मुख्य जो लाभार्थी हैं उस पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है।